हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एथोरूल के बिहाइंड द सीन्स और इनके इंटरव्यूज दिखाऊंगी कि एथोरूल और उनकी पूरी टीम को इस ड्रामे के लिए कैसे ट्रेन किया गया और इनका और सलजान का बिहाइंड द सीन क्या रिलेशन है और ये लोगों को अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या बता रहे हैं और सलजान अपने नेगेटिव कैरेक्टर के बारे में क्या बता रही हैं कि लोगों ने उनको कितना पसंद किया या लोगों ने उनसे कितनी नफरत की और कुर्तुगलू बिहाइंड द सीन किस किस्म के इंसान हैं और अपना आखिरी सीन शूट होने के बाद उन्होंने अपनी पूरी टीम को क्या मैसेज दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बात करेंगे इस ड्रामे के सबसे पावरफुल और सबसे फेवरेट करेक्टर सुलेमान शाह की कि वो बिहाइंड द सीन कितने इमोशनल इंसान हैं और क्या वो रियल लाइफ में भी इतने पॉजिटिव और इतने पावरफुल इंसान हैं। Ben kayıp oyundan Süleyman Şahoğlu Ertuğrul। एंजन अल्तान बताते हैं कि स्टोरी तब की है जब एथोरूल 25 से 30 साल के थे और वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से डिफरेंट तरह के सेट देखे हैं लेकिन इतना जबरदस्त सेट उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। इन्होंने सेट में बहुत बड़ा कबीला बनाया हुआ था और इनका यही सिर्फ शूटिंग स्पॉट नहीं था बल्कि और भी इनके डिफरेंट जगहों पर शूटिंग स्पॉट थे जहाँ पर ये जाकर शूटिंग किया करते थे और ड्रामे की शूटिंग से 3 महीने पहले इनकी पूरी कास्ट को हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग दी गई और साथ ही साथ इन लोगों को तीर कमान और तलवार से कैसे फाइट किया जाता है वो भी सिखाया गया और इसके लिए कजाकिस्तान से कोई स्पेशल टीम बुलवाई गई थी इनको ट्रेन करने के लिए। और वो बताते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं घोड़े पे बैठकर तीर कमान भी चला सकूंगा लेकिन वो कहते हैं कि एक्टिंग की यही ब्यूटी है कि मैंने सीखा और मैंने किया और अब मेरे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इनकी कास्ट इतनी बड़ी थी कि इनके कबीले में 5,500 टेंट थे, यानी कि इतने ज़्यादा लोग थे इसलिए उन्होंने उन लोगों को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया था और हर ग्रुप को उन्होंने डिफरेंट ट्रेनर्स दिए हुए थे ताकि वो इन लोगों को फाइटिंग और दूसरी स्किल्स सिखा सके। और यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग डिनर पे आए हुए हैं और ये लोग पिछले 10 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये बहुत से ड्रामे और डिफरेंट प्रोजेक्ट भी एक साथ कर चुके हैं और क्योंकि इनकी दोस्ती बहुत पुरानी और गहरी है तो ये अक्सर ही एक दूसरे के साथ आउटिंग पे निकलते रहते हैं और डिनर्स वगैरह अक्सर ये लोग साथ करते रहते हैं। सलजान का करेक्टर शुरू में इतना नेगेटिव था कि लोगों ने इनसे बहुत ज़्यादा नफरत की लेकिन जैसे ही ड्रामे की एंड की तरफ ये लोग गए और इनका जो करेक्टर था वो एक पॉजिटिव करेक्टर में टर्न हुआ तो लोगों ने उनको इतना ज़्यादा पसंद किया कि वो लोगों की फेवरेट हो गई। तो सलजान के बारे में ये बात मशहूर हो गई है कि वो जब चाहें वो लोगों से खुद के करेक्टर को नफरत करवा सकती हैं और वो जब लोगों से प्यार करवाना चाहें अपने करेक्टर को तो वो उतना ही ज़्यादा प्यार भी करवा सकती हैं। कुर्तुगलू का करेक्टर ड्रामे में जितना नेगेटिव है वो रियल लाइफ में उतने ही पॉजिटिव पर्सन है। सेट पे हर कोई उनकी तारीफें ही कर रहा होता है। जब उनके आखिरी सीन की शूटिंग डन हुई तो उन्होंने खड़े होकर सबको कहा कि मैं इतने सालों से एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ लेकिन मैंने इतना अमेजिंग टाइम अपनी लाइफ में कभी नहीं गुजारा। उन्होंने सबको दुआएं दी कि अल्लाह आप सबको खुशियां दे, ये मेरी जॉब थी जो मैंने की है लेकिन अगर मैंने अनजाने में किसी का दिल दुखा दिया हो तो मैं हर एक से माफ़ी मांगता हूँ। और उन्होंने अपने ख़ास दोस्त का नाम लेकर उनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उन्होंने अपने डायरेक्टर्स के नाम लिए और उन्होंने अपने कलीग्स को मेंशन करते हुए कहा कि मैं आप सबका नाम तो नहीं ले सकता लेकिन मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर से उन्होंने सलमान शाह का नाम लिया कि वो एक्टिंग में मेरे टीचर हैं और मैं उनकी और आप सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ और इस तरह से उन्होंने उन सबसे मोहब्बत का इजहार किया। और तुर्किश लोगों की खास बात यह है कि ये लोग सेलिब्रेट बहुत ज़्यादा करते हैं और जब भी शूटिंग के दौरान ब्रेक आती है तो ये लोग केक काटते हैं, तालियां बजाते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और अक्सर इनके बिहाइंड द सीन्स आप देखेंगे तो ये लोग बहुत ज़्यादा केक मंगवाते हैं, कुछ और ये लोग मंगवाएं ना मंगवाएं लेकिन ये केक मंगवा के सब लोग इकट्ठे बैठ के खाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं अपने उस डे को। सुलेमान शाह रियल लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और पॉजिटिव इंसान है लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं और वो अपना करेक्टर इतने दिल से प्ले करते थे कि सीन डन होने के बाद अक्सर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि जब भी मैं सुलेमान शाह का रोल प्ले करता हूँ मैं उस करेक्टर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि मेरी फीलिंग इस करेक्टर के लिए रियल हो जाती हैं।
और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सुलेमान शाह ने केक काटा, इन लोगों ने उसके बाद सेलिब्रेट किया और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा फन किया। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इस ड्रामे की और मज़ीद जो बिहाइंड द सीन्स हैं और बहुत सी वीडियोज़ जो है मैं वो अपलोड करती रहूँगी, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Üfleme dinam buldular. Şunları da üfle abi. Üfle şunları. Bir kağıt verin. Nefes yok bir üfleyeyim abi. Tutamıyor. Tutamıyor. Çok sağ olun. Hepiniz sağ olun. Hepinize Allah'a